दोस्तों, मैं आ गया हूँ अब हैम्बुर्ग में। हैम्बुर्ग नॉर्थ जर्मनी में एक काफ़ी बड़ा शहर है और ये जर्मनी का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी है। तो चलिए आज ले जाते हैं हम आपको हैम्बुर्ग। मैं यहाँ कल शाम तक हूँ और कल शाम को लूँगा मैं वापस म्यूनिक जाने की ट्रेन। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस सिटी को। ये रही वो ट्रेन जिससे मैं आया था। 800 किलोमीटर की जर्नी हमने 6.5 घंटे में कवर करी और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे ट्रेन स्टेशन और देखते हैं ऊपर से व्यू कैसा आता है। दोस्तों, यहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा चहल पहल, तो चलिए लाउंज में चलते हैं पहले। तो दोस्तों, मैं बैठा हूँ अभी यहाँ पे हैम्बुर्ग की एस-बान में और ये एस-बान हमें लेके जाएगी हॉस्टल तक। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ हॉस्टल पे अपना सामान रखकर वापस सेंट्रल स्टेशन पे। और ये है हैम्बुर्ग का सेंट्रल स्टेशन। सेंट्रल स्टेशन से होते हुए जाएंगे हम यहाँ की सबसे फेमस शॉपिंग स्ट्रीट पर। तो चलिए शॉपिंग स्ट्रीट पे चलते हैं। और ये है यहाँ पे एक और शॉपिंग एरिया सेंट्रल स्टेशन का, और ये है कोई हैरी पॉटर शॉप। और यहाँ ट्रेन स्टेशन में ऑब्वियसली सारी चीज़ें हैं, मैकडॉनल्ड्स हो गया, KFC हो गया, सबवे हो गया। वहाँ पे कोने में स्वैच घड़ी का भी स्टोर है। और यहाँ पर हो रही है बहुत बड़ी पार्टी, तो चलिए चलते हैं पार्टी में। की बिल्डिंग और यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स हैं। ये हैम्बुर्गर हॉफ और होटल, और यहाँ पे काफ़ी सारे खाने पीने की भी चीज़ें हैं। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस एरिया को और ज़्यादा। दोस्तों, यहाँ पर है काफ़ी सारी स्टेजेस और अभी मैं एक स्टेज से आ रहा हूँ, वो मेरे पीछे थी, और अब मैं जा रहा हूँ एक और स्टेज की तरफ। टाउन हॉल हैम्बुर्ग का, और ये पता नहीं क्या जा रही है नदी से,
यहाँ पर काफ़ी सारी शॉपिंग की दुकान है, क्योंकि इस जगह का नाम है एल्सपेर आर गार्डन या फिर आर्केड्स या फिर एक तरह का शॉपिंग सेंटर। तो अभी हम देखते हैं, हम वापस से अपनी नोटेबल शॉपिंग स्ट्रीट पे जाएंगे, जब तक ये एरिया थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये है वेम पे एक वॉच स्टोर, और यहाँ पर आपको सारी फैंसी ब्रांड्स की वॉचेस भी दिखेंगी। और ये है अल्स्टर हाउस, अल्स्टर हाउस में चल के देखते हैं। ये पता नहीं, मैं एक और फैंसी सी स्ट्रीट में आ गया, यहाँ पे सारी लग्जरी ब्रांड्स दिख रही हैं। चलिए और आगे चलते हैं फिर, यहाँ पे माइकल कॉर्स, रिमोना, कैंपबेल, लॉन्गचैम, टाग हॉयर, पीछे मैंगो था, रोलेक्स भी था, नॉय हाउस। ये एक और फैंसी सा पैसेज है। ये आ गया आइगनर का स्टोर, ह्यूबनर हाउस, पोर्शे डिज़ाइन, ये पोर्शे डिज़ाइन के बैग्स। सामने वाला बैग आपको पीले रंग का 50,000 रुपये का मिलेगा। ये एक पोस्ट ऑफिस है शायद, यहाँ पे लिखा है पुराना पोस्ट ऑफिस। ये लिखा है ऊपर पसाजन फियटेल या फिर पैसेजर्स क्वार्टर। सामने है मेरे अल्स्टर हाउस की एंट्री। ये है नेस्प्रेसो कॉफ़ी की बिल्डिंग, और यहाँ पे अंदर बहुत सारे कॉफ़ी कैप्सूल्स हैं। चलिए अंदर चल के देखते हैं। ये जो दीवार पे आप देख रहे हैं, ये है अलग अलग कॉफ़ी पॉड्स। कॉफ़ी पॉड्स कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे कॉफ़ी मग्स भी हैं, तरह तरह की कॉफ़ी मशीनें। ये है ब्रैक्स का स्टोर, मुझे नहीं पता ब्रैक्स पे क्या मिलता है। और राइट में है हमारे H&M का स्टोर, और लेफ्ट में वापस से ये है टॉमी का स्टोर, टॉमी हिल फिगर। उससे पहले हम जाएंगे H&M में, और आगे एक बड़ा प्यारा सा फूलों का गुलदस्ता भी है। और हम ये देख रहे हैं, ये है हान से थिएटर। तो दोस्तों, हम हैं अब टॉमी पर, और यहाँ पर एक एक टी शर्ट लगभग 8,000-8,000 रुपये की है। चलिए और एक्सप्लोर करते हैं इसे, सेल में क्या आर्टिकल्स हैं। हम आ गए अब अल्स्टर होफ के अंदर, और यहाँ पर सभी प्रीमियम होफ की तरह नीचे प्रीमियम ब्रांड्स दिखा रखे हैं उन्होंने। ये मेरे सामने है एक और बड़ी सी चर्च, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, मैप्स में देखना पड़ेगा। मैंने मैप्स में देख लिया, इस चर्च का नाम है सेंट पीटर्स चर्च, और इसके लेफ्ट में है माउंकेबर्ग श्रासे। तो हम जाएंगे अब माउंकेबर्ग श्रासे पर, क्योंकि वही है शॉपिंग स्ट्रीट जिसका मैं पिछले एक घंटे से जिक्र कर रहा हूँ।
तो चलिए सेंट पीटर्स चर्च से होते हुए मॉन्क के बर्गस्ट्रासे चलते हैं। ये रही काफ़ी बड़ी सेंट पीटर्स चर्च और ये है टाउन हॉल उबन स्टेशन या फिर मेट्रो स्टेशन। ये है स्पोर्ट्स शेक। स्पोर्ट्स शेक पे आपको सभी तरह के स्पोर्ट आर्टिकल्स मिल जाएंगे डीकैथलॉन की तरह, लेकिन प्राइस उससे डबल या ट्रिपल है। उसके सामने है क्राइस्ट, यहाँ पे आप ज्वेलरीज ले सकते हैं। ये बंदा यहाँ पे पाइप सा बजा रहा है। तो दोस्तों ये है एल्ब फिलहारमोनी कल्चर कैफे। एल्ब फिलहारमोनी यहाँ पे वो बड़े से ओपेरा हाउस का नाम है और ये उन्होंने कल्चर कैफे बना रखा है। ओके, ये स्टारबक्स है बेसिकली, मैंने अभी नोटिस करा। और मेरे पीछे है ये सैटर्न का बहुत बड़ा शोरूम, तो अब चलिए सैटर्न को एक्सप्लोर करते हैं। और ये सामने जुपिटर है, मुझे नहीं पता जुपिटर में क्या मिलता है, तो सैटर्न के बाद यहाँ पे भी जाके ट्राई करेंगे। तो दोस्तों पार्टी के बाद हर जगह सड़क पर कांच के टुकड़े पड़े हुए थे बियर ग्लासेस के, और अब ये मशीनें पूरी सड़कें साफ कर रही हैं। सैटर्न से तो मैं बाहर आ गया, अब चलते हैं जुपिटर। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अब जुपिटर के रूफ टॉप पर। हैम्बर्ग का ट्रेन स्टेशन वो है सामने सैटर्न। तो दोस्तों हम आ गए हैं अब हैम्बर्ग के हाफन सिटी में, मतलब पोर्ट सिटी में, और हम जाएंगे अब पोर्ट का टूर लेने। तो दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ अब शिप में और हमारा शिप कराएगा हमें इस पोर्ट सिटी की सैर। Man kommt auch nicht von ungefähr, denn seit den Anfängen des Hamburghafens im frühen Mittelalter bis zum Jahr 1862 wurde hier der Hamburger Hafen über Nacht mit einem Baumstamm zugemacht. Der Hamburger Hafen war zu der Zeit die Wasserfläche, die wir jetzt gerade verlassen, also der. Ruhrgebiet. Die ganze Gegend ist auf sumpfiges und matschiges Marschland. Und um darauf Häuser in dieser Größe bauen zu können. Museum, also die 50er Schuppen. In den unterhaltenen Kaischuppen aus der Kaiserzeit sind Ausstellungen zu sehen aus der Arbeitswelt des Hafens aus mehreren vergangenen Jahrhunderten. Gegenüber am Ausfallkai ein großes Konro-Schiff, also ein kombiniertes Schiff für den Transport. Dann kommt man da an die einzige Elbe-Schleuse bei Gestacht. Nach 40 Kilometern ist man in Lauenburg. Weiter geht es nach Magdeburg, nach Dresden und nach Graz, nach dem Vorbild der Londoner Docklands. Weil die alte Michaeliskirche 1906 bei Dachdeckarbeiten bis auf die Grundmauern abbrannte. Ja, und auch wenn es von hier aus vielleicht nicht danach aussieht, im Turm des Michael auch Europas größte Turmuhr. Das Zifferblatt hat einen Durchmesser von 8 Metern. So, wir werden jetzt.
Containern, die von den großen Schiffen hierher nach Hamburg gebracht werden, in sämtliche kleineren Häfen an Nord- und Ostsee zu verteilen. Ja, auch das sind. Grundsätzliche Zahlen zum Hafen. Das gesamte Hafengebiet umfasst 7200 Hektar. Das sind etwas über 70 Quadratkilometer. Knappe 10% der Stadtfläche Hamburgs macht somit das Hafengebiet aus. Wollten wir alle 43 Kilometer Kreisstrecke abfahren, jeden der 320 Seeschiffsliegeplätze, jeden Kanal und jede Schleuse mitnehmen, dann wären wir 2 Tage unterwegs. Dazwischen liegen jeweils 15 Minuten Stauwasser, also Stillstand. Wie gesagt, all dies sind Durchschnittswerte, denn je nachdem, woher der Wind weht, kann das mal erheblich mehr oder weniger werden. An unserer Steuerbordseite hier der ENAC, das ist ein 600 Tonnen hebender selbstfahrender Bergungskran. Start mein Zoom Video. ये इन्होंने चिड़ियाँ बना रखी हैं छोटी छोटी बकरियों की आगे ट्रैफिक हो रहा है सेंसर लगा दो ये थोड़ा डिस्टेंस का होगा जाएगा अगर इक्वल डिस्टेंस पे रुकी तो वो देखा ओवरटेक कर लियो अकॉर्डिंग टू सभी 6 है ये बस ओवरटेक करेगी बस तो लग रही है डंबल नंबर वाली देखिए Thank you.
हेलो दोस्तों, हमने कर लिया है आज अपने हॉस्टल से चेकआउट और अब हम कर रहे हैं सेंट्रल हैम्बर्ग को एक्सप्लोर। तो चलिए बिल्कुल सिटी सेंटर में चलते हैं और आज हम आपको वहीं ले जाएंगे जहां कल परेड गई थी, लेकिन आज वो परेड नहीं है। तो सबसे पहले हम जाकर देखेंगे एल्स्टर लेक। तो चलिए एल्स्टर लेक को देखते हैं, फिर वहाँ से हम करेंगे ब्रेकफास्ट। ये है मेरे सामने एक सेलिंग स्कूल और ये है आउटर एल्स्टर लेक। ये है दोस्तों आउटर एल्स्टर लेक, आउटर एल्स्टर लेक और सामने है इनर एल्स्टर लेक। और एक सामने ब्रिज है जो है लोमबार्ड्स ब्रुक है और वहाँ से फाउंटेन भी चल रहा है बीच में। ये है हैम्बर्ग का कैसीनो, कैसीनो एस्प्लानादे और यहाँ पे लिखा है स्पील बैंक कैसीनो। और वो है सामने मूवी थिएटर सिनेमाक्स, सामने है एक पार्क, यहाँ पर भी एक फैंसी सी बिल्डिंग है। और ये जो मेट्रो स्टेशन है ये है ओपेरा हाउस मेट्रो स्टेशन। चलिए चलते हैं ओपेरा हाउस मेट्रो स्टेशन पर। भाई मेरे को भी दिखा। तो दोस्तों हम आ रहे हैं अब लंच करके और हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाया खाना जो काफ़ी अफोर्डेबल और टेस्टी भी था। और अब हम जा रहे हैं वापस सेंट्रल स्टेशन की तरफ, फिर देखते हैं कि हम कौन सी ट्रेन लेते हैं। हेलो दोस्तों, हम बैठे हैं अब हैम्बर्ग के सेंट्रल स्टेशन पर और हम कर रहे हैं अपनी अपनी ट्रेनों का वेट। तो आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय।